एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं विजय माल्या से जुड़ी हुई। मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट से विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर माल्या को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित कर दिया है। आईडीबीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है। कोर्ट किसी को उस दशा में ही भगोड़ा घोषित करता है जब आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हुआ हो और वो उसका पालन नहीं कर रहा हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी माल्या से पूछताछ करना चाहती है। माल्या पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए बकाया है और वो कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गए हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित होने के बाद इंटरपोल माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकेगा। तो विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि माल्या को भगोड़ा घोषित करने के बाद क्या होगा, इसके आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती है। इंटरपोल माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है, ये इसका अगला कदम होगा। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भगोड़ा घोषित करना जरूरी है और सेक्शन 82 इसी के लिए उन पर लगाया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस से माल्या को भारत लाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि 9000 करोड़ रुपए का बकाया विजय माल्या पर है, वो भारत में ना होकर इस वक्त लंदन में बैठे हैं। ब्रिटेन के कोर्ट का दरवाजा सरकार खटखटा सकती है, कुछ मदद मिले जिससे और उस प्रोसीडिंग्स के तहत ही उस मदद के जरिए ही विजय माल्या को भारत लाया जा सके। जांच एजेंसियां माल्या की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है। 30 दिन की मोहलत दी गई है, इसके बाद जो भगोड़ा घोषित किया गया उसके बाद संपत्ति अटैच होगी। माल्या की जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है और उससे जो रकम है वो रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मेरे सहयोगी सिल्की इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गई है। सिल्की, विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, अब इसके आगे की अगर प्रक्रिया बात की जाए, कितनी ज्यादा मुश्किल रहा विजय माल्या के हो गई है और अब ईडी की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि विजय माल्या के लिए जो आगे की मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं क्योंकि पीएमएलए ने जो सेक्शन 82 के तहत उन्हें भगोड़ा घोषित किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया है। इसके बाद अब उनके पास विकल्प है केवल बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर अपनी पेशी देने का, जो कि 30 दिन के भीतर अगर वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं और इस कोर्ट इसके खिलाफ वो अपील नहीं करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो उनकी जो 500 करोड़ की संपत्ति है उसे ईडी नीलाम कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई, एसएफआईओ और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की तरफ से भी उन पे लगातार जो है केसेस वो चल रहे हैं। रेड कॉर्नर हियरिंग जो रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी किया जाएगा इंटरपोल की तरफ से उसकी प्रक्रिया भी फिलहाल चालू है और आने वाले समय में और भी मुश्किलें विजय माल्या के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, शुक्रिया सिल्की इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए।